अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे अवर लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 5। अवर टॉपिक इज़ द टाइगर। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट द टाइगर पोम इन डिटेल। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्रिहेंशन फोकस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिस्ट 3 इंस्टेंसेस ऑफ प्रोनाउंस एंड वन ऑफ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द पोम। पोम में से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को और प्रोनाउंस को फाइंड आउट करें। प्रोनाउन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन a name, a word which is used in the place of noun is called pronoun, and transitional device की next हम discuss करेंगे। और जो हमने तीन pronouns की examples को poem में find out किया है वो ये हैं, there, his and he। Transitional devices are words or phrases that connect one sentences or paragraph with one another। Transitional devices ऐसे अल्फाज हैं और ऐसी phrases होती हैं जो कि सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को दूसरे के साथ जोड़ती हैं, जैसे और, एंड, एंड व्हेन। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन आइडिया ऑफ द पोम। पोम का मेन आइडिया डिस्क्राइब करें। इन दिस पोइम ब्लेक इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्रिएटर बाय एग्जामिनिंग हिज क्रिएशन। इस नज़म में विलियम ब्लेक समझने की कोशिश कर रहा है नेचर को और नेचर को बनाने वाले को, और उसकी तख्लीकात का मुआयना करके उसकी तख्लीकात का जायज़ा लेकर उसके नेचर को समझने की कोशिश कर रहा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज रिलीजियस। इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो रिलीजियस है। स्ट्राइविंग टू ग्रैस्प द नेचर ऑफ द डिवाइन। इस मजहबी कुदरत को इस पाक नेचर को कोशिश कर रहा है ग्रैस्प करने की। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द टाइगर। यू हैव जस्ट रीड अबाउट द पोम। पोम में से आपने टाइगर की जो क्वालिटीज़ को पढ़ा उसको डिस्क्राइब करें। ब्राइट येलो फर्स, फेयरी आइज, फेयरफुल सिमेट्री, इमॉर्टल हैंड्स। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। मैच द एक्सप्रेशंस टू देयर मीनिंग्स इन वर्ड्स। एक्सप्रेशंस को मैच करें वर्ड्स के साथ। आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंट। आई कॉन्टेक्ट शो कर रहा है कि किस तरह इंसान कॉन्फिडेंट है। हेड नोडिंग सर को हिलाना एग्रीमेंट को शो करता है। वेव हैंड्स फेयरवेल अलविदा कहना। फिंगर टैपिंग गेटिंग इम्पेशेंट वाइल वेटिंग इंतजार करते हुए बेसब्री को जाहिर करना। बिटिंग ऑफ नेल्स परेशानी को जाहिर करता है नर्वसनेस। फ्रेंड्स, आज हमने कंप्रेंशन फोकस के बारे में और इसके अलावा एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। आपने इन सबको अच्छे से लर्न करना है और जो एक्सप्रेशंस हमने उनको पढ़ा है उनको आपने नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू। स्टे होम एंड कीप लर्निंग।